हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पवार सीट कोर्स में। होंडा यूनिकॉर्न का हम आज बकेट सीट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमने ये सीट निकाला है और जो हमारे पास स्पेयर वाला सीट है वो गाड़ी को लगाया है हमने। तो सबसे पहले हम इसकी जो हार्डनेस है वो काटने वाले हैं, क्योंकि जो ये अभी फोम है वो बहुत ही हार्ड है, तो कस्टमर को लॉन्ग राइड करते समय बहुत ही प्रॉब्लम आता है। और ये सबसे पहले हमने ये जो हार्ड पीस है वो काट दिया है, और सर की हाइट भी बहुत कम थी इसलिए वो भी काटना पड़ा हमें, थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ा। तो और कस्टमर डेली एक 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और उनको ज़्यादातर गाड़ी पे ही काम रहता है, तो बैक पेन न होने के लिए उन्होंने अपना वीडियो यूट्यूब पर देखा था, उनको बहुत अच्छा लगा अपना काम, तो वो डायरेक्ट अपने शॉप पे आए कॉल करके कि मुझे ये सीट मॉडिफिकेशन करना है यूनिकॉर्न का। तो इसके पहले भी आप देख सकते हो सॉल्यूशन लगाया है सीट को, पूरा पीले पीला हुआ है। उसके पहले भी इन्होंने इधर तो काम किया था, उनको अच्छा नहीं लगा, तो अपना वीडियो देखने के बाद उनको आइडिया आई कि कुछ इस तरीके से भी बकेट काम हो सकता है। तो सबसे पहले हमने SD वॉलिंग ली है, आप देख सकते हो SD वॉलिंग का यही एक मात्र काम है कि सीट मॉडिफिकेशन करना और सीट को नरम रखना, यही उसका काम है, इसलिए हम SD वॉलिंग यूज़ करते हैं और वो भी प्रॉपर तरीके से उसको फिनिशिंग करके लगाते हैं। आप देख सकते हो आगे का पीस काटने के बाद हम उधर ही लगाने वाले हैं और उसको बैक सपोर्ट भी देने वाले हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लॉन्ग राइड करते समय अपने बैक पेन होता है तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है थोड़ा सा, तो सपोर्ट भी देने वाले हैं हम और थोड़ा और ये सीट ब्रॉड भी करने वाले। तो ये पूरा वीडियो देखिए आज, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा। और सर एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करते, तो सिटी से वो कंपनी में जाने के लिए कम से कम एक 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का रास्ता था, तो वो करने के लिए बहुत ही बैक पेन हो रहा था उनको, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक सीट मॉडिफिकेशन करके ही लेंगे आज। तो हम ये सीट मॉडिफिकेशन का काम कंप्लीट करने वाले हैं। हमने जो SD वॉलिंग है प्रॉपर तरीके से काट दी है, कैसे बैठेंगे आप देख सकते हो, कैसे हम बिठाने वाले हैं उसको। और ये काम ऐसा रहता है कि कम से कम 3-4 घंटा लगता है इसको, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि काम करने के बाद, मतलब काम करने से पहले तो एक घंटे में आधे घंटे में काम होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये काम करने को कम से कम 3-4 घंटा तो मोस्टली लगता है क्योंकि फोम लगाना, उसको काट छाट करना, राइड मारना, वो सब आता है उसमें, तो कम से कम 3 घंटा तो आराम से लगता है इसको। और पैसे भी उसी हिसाब से हम लेते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये कम से कम एक 500-600 रुपए का काम होगा, ऐसा नहीं रहता, ये 2000 के आगे जाता है, 2000-2500 के रुपए के आगे जाता है, जिस हिसाब से उसको मटेरियल लगेगा उसी हिसाब से इसका काम का तरीका होता है। अभी तो हम ये ब्रॉड का काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद हम कस्टमर को राइड भी मारने बोलेंगे कि आप राइड मार के आ जाओ और जो प्रॉब्लम है हमारे सामने ही सब बता दो। तो जो एक्स्ट्रा अभी फोम है वो हम काट रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये काम करने का बहुत ही एक तरीका होता है कि कस्टमर क्या बोल रहे हैं उनका प्रॉब्लम पहले तो सुनना चाहिए, उसके बाद हम ये काम चालू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कस्टमर को पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ही उसका एक सॉल्यूशन बताते हैं, उनको अच्छा लगा तो वो काम हम जारी करते हैं। अभी ये बैक सपोर्ट देखो, हमने बैक सपोर्ट भी लगा दिया है। ये क्या काम करेगा कि आप थोड़ा सा दूर राइड होगी, इससे आपका बैक जो है वो प्रॉपर तरीके से उस पर रेस्ट हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगे कि आप अभी ट्रैफिक नहीं है, आप हाईवे पे हो तो आपको पीछे बैठ के थोड़ा सा आराम देना चाहिए आपके बैक को, तो वो सपोर्ट करेगा, उसी हिसाब से हमने बनाए। और ये पीछे भी बहुत हार्ड था तो वो पीछे का भी हम वॉलिंग लगा रहे प्रॉपर तरीके से, और ब्रॉड भी हो जाएगा और कंफर्टेबल भी हो जाएगा। ये सब काम जब गाड़ी लेते हैं कस्टमर उसी टाइम करना चाहिए, पर कुछ कस्टमर प्रॉब्लम बढ़ने के बाद ये काम करते हैं, पहले उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। आप
दिन में 4 से 5 घंटा 6 घंटा गाड़ी चलाते हो तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। फिर भी आप 1 घंटा भी चलाते हो तो भी प्रॉब्लम होगा। गाड़ी गड्ढे में जाती है, गाड़ी वाइबल होती है, ये होती है, वो सब प्रॉब्लम की एक ही जड़ रहती है कि आपका सीट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। आपके बैठक, आपका बैठना उठना वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए गाड़ी से। अभी कस्टमर तो आप देख सकते हो, कस्टमर हमारे सामने बैठे और सामने सामने काम करना हो और वो एक्यूरेसी से करना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये काम, पर हम इसे बहुत ईजी करते हैं क्योंकि कस्टमर को हम बोलते ही है पहले कि आप पहले राइड मार के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको क्या नहीं, वो सब आप सामने सामने चेक कर लो। इसके बाद हमने फाइनल फिनिशिंग किया है इसका और सीट लगा के दिखाए कस्टमर को कैसे आप बैठोगे क्या होगे, आपके हिसाब से देख लो, आप राइड भी मार के देख लो। तो राइड भी मारा है सर ने और बैठ के चेक किया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं, तो सब ठीक ठाक लग रहा है, तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा। आप देख सकते हो कैसा हमने बकेट किया है, जैसे कस्टमर ने हमको बताया उसी हिसाब से हमने किया है। ये देखो सर बैठे है, सर बैठने के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, और क्योंकि उनकी हाइट भी कम है तो हम बता रहे क्या कैसा बैक सपोर्ट आएगा क्या आएगा। आपको प्रॉब्लम हो दिक्कत हो तो वो काट भी सकते हैं, पर आप एक बार बैठ के भी देखो क्या हो रहा है, बैक पेन प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके पैर नीचे आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो सब इशू हम सामने सामने प्रॉब्लम सॉल्व, ये बातचीत वही चल रही है कि क्या फील हो रहा है बैठने के बाद, क्या फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, क्या हो रहा है, बैक सपोर्ट ठीक ठाक लग रहा है क्या, वो सब चेक करने के बाद क्या हो जाएगा, आप स्लिप हो रहे हैं क्या हो रहा है, वो सब हम बातचीत कर रहे हैं। और ये डिसीजन होने के बाद थोड़ा सा सर बोले कि पीछे ले लो थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आगे लग रहा है मुझे, टंकी के ऊपर मैं आ रहा हूँ, तो वो भी हमने काट दिया है। आप देख सकते हो इतनी सारी बातचीत करने में, काम करने में टाइम लगता ही है, बहुत ही एक्यूरेसी से करना पड़ता है ये काम, क्योंकि बहुत उम्मीद से कस्टमर हमारे पास आते हैं कि जो बैक पेन है वो सॉल्व हो जाए और ये काटने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और ये फाइनल फिनिशिंग के लिए हमने लिया है और ये फाइल मार रहे हम फाइनल के लिए। बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम हुआ है ये सीट का। और ये फाइनल फिनिशिंग होने के बाद हम एक यूफोम का लेयर लगाने वाले हैं इसके ऊपर, क्योंकि जो फिनिशिंग है उसको हम प्लेन कवर लगाने वाले हैं तो थोड़ा फिनिशिंग अच्छी दिखनी चाहिए, इसलिए हम उसके ऊपर सिर्फ फिनिशिंग के लिए यूफोम का गादी लगाने वाले हैं। अभी हम पूरा यूफोम गादी लगा दिया है आप देख सकते हो, और उसके थोड़ा सा ऊपर प्लास्टिक भी चढ़ा दिया है क्योंकि जो हम कवर लगाएंगे वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। ये देखो हम लगा दिया है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये फाइनल फिनिशिंग हो गई है। तो कस्टमर पूछ रहे हैं कि पूरा प्लास्टिक लिया तो अच्छा रहेगा क्या, हम बोल रहे हैं पूरा प्लास्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए लगा है हमने, प्लेन कवर चढ़ाने वाले इसलिए, बाकी कुछ इसका उपयोग नहीं है कि आराम होए ये होए कुछ नहीं प्रॉब्लम इसका। और जो भी हम कवर लगाएंगे बहुत ही अच्छा और क्वालिटी वाला लगाएंगे। जो भी कवर लगे एक ही आता है वो, बहुत जन को ऐसा लगता है कि दो कवर चढ़ाने से बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं होता कुछ, एक ही कवर लगाए अच्छे तरीके से लगाए तो वो ज़्यादा दिन टिकता है, नहीं तो दो कवर चढ़ाने के बाद कुछ भी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। ये फाइनल फिनिशिंग आप देख लो, एक बार हमने सीट कवर लगा के ये फाइनल फिनिशिंग की है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है ये कस्टमर का, उनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसा काम जैसा चाहिए था उनको वैसा हमने करके दिया है। और आप देख लो बैक सपोर्ट और पीछे का बैठे दो आदमी बहुत ही आराम तरीके से बैठ जाएंगे, एक छोटा बच्चा और वो, और अभी जा रहे हो थैंक यू बोल रहे हैं हमको, तो हम भी उनको थैंक यू बोलते, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।